अंदर इंडक्शन है, अंदर कौन सा मशीन है किसको पता नहीं। लैब में जाते थे, जाके लैब पे जा खड़ा कर दिया जाता था, वहां पर एक वो टॉर्क वाला लगाया, मेजरमेंट लिया, डाल दिया, नंबर हो गया। ऐसा पिपेट प्यूरेट का हमने किया था, हर आदमी का टाइट्रेशन बराबर होता था। तो मशीन कोई देखा नहीं है, मशीन कोई टच नहीं किया है, समझ में नहीं आया। ये सब्जेक्ट के साथ जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कौन से है। So I went to an interview for RPG. Okay, an RPG went ahead already. उसको मजा आ रहा था, बोलने कौन लड़कों को उठा के लेना तो है चार पांच को। ओके चलो आज देख लेते कौन अच्छी क्रिएटिविटी दिखा रहा है। बोलते इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है सर। तो अर्थिंग क्या होती है सर? जब वो वायर पॉट्स में लगा देते, वेरी गुड। बोला मेरे पास सबमरीन है, अब तू अर्थ कैसे करेगा? सोचना पड़ेगा सब पानी को अटके से करना, तो पानी में तैर रहा है सर, वो जब जमीन में एकदम नीचे चला जाता है। बोला माय बॉय, इन द डिस्टेंस इट विल ट्रैवल फ्रॉम द सी ऑल द वे टिल द बॉटम, ऑल आवर सोल्जर फील्ड है। यू सेड नो सर, आई विल मेक श्योर दैट इट स्कूबा डाइवर एंटर वेरी इट इज वर्थ इट दैट यू आर सिलेक्टेड आ जाओ। आई डिड नॉट, उसको मजा आ रहा था, उसने स्पॉन्टेनिटी पे आंसर किया। तो उसने पूछ दिया दूसरे वाले को, ये छैया छैया करके गाना चलता था, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे सर। बुलाया हम सब लोगों को, सबको खड़ा कर दिया। बोला ये स्पीकर के वायर है? हाँ सर। कौन सा गाना पसंद आता है? सर छैया छैया, वेरी नाइस। सर इसके स्पीकर के वायर को मैं ट्यूबलाइट पे लगा दूं, ट्यूबलाइट कैसे चलेगी? सर टेक दिस वायर्स, पुट इट ऑन अ ट्यूबलाइट, व्हेन छैया छैया हैपेंस, व्हाट विल हैपन टू द ट्यूबलाइट? ऑब्वियसली यू नो व्हाट आंसर आई वाज गिविंग, नॉट समवन सर गिविंग, वी डिडंट नो इट। Problem is that subject ke sath interaction nahi ho raha, and until that subject ka interaction and the fun of the subject is not there, this becomes a headache. And teacher wohi yaad rehta hai jo subject mein maza dilata hai. And trust me, wo teacher ko bhi credit bahut milta hai life. Wo teacher pehchane jaate hain jisne subject sikhaya tha. And that innovation can only happen in one way, is when we go ahead and have live project quality becoming better. Just electronics, अच्छा आजकल ये भी हो गया mechatronics. अच्छा तो एक में graduation नहीं कर रहे, दो में कर रहे. Electronics and telecommunication. तो मतलब insult और injury की, मतलब आप दोनों चीजें आती हैं आपको. तो मैं पागल हूँ electrical engineering करके बैठा हूँ एक ही subject में. तुमने चार से दो निकाल लिए. Sandwich patterns. अबे क्या-क्या कर रहे हैं हम लोग education में? I have no idea. ना उन्हें electronics आवे, ना उनको telecommunication आता है. अच्छा एक और हमारे प्रॉब्लम है, मैं मैकेनिकल हूं तो मैकेनिकल ही काम करूंगा। तो भैया तुम्हें सारे काम करने पड़ते हैं, आपका डिसिप्लिन डिसाइड नहीं करता क्या काम करने का। सम दीस फैलेसीज हैव टू गेट रिमूव्ड। यू कांट से आईटी इज नॉट इन्वॉल्वड एवरीवेयर, इट इज इन्वॉल्वड एवरीवेयर। इलेक्टिव में भी आ गया, मैकेनिकल में आप उसको बोल नहीं सकते इट इज नॉट इन्वॉल्वड, कोर नॉन कोर। अरे भाई गए उसका जमाना गया, अब एप्लीकेशन का टाइम। So some of these things can only get removed when they do actual projects, and there are enough of subjects which are there. As we are procuring on defense in this country, every chemical engineer should think, can I create a material which is resistant? Can I create a material which is impermeable, which can't be permeated? एक इतनी छोटी सी चीज को रिसर्च करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। प्रॉब्लम क्या है? हम आर्मर की शील्ड बनाना चाहते हैं, हम मिसाइल बनाना चाहते हैं, हम टैंक बनाना चाहते हैं, हम गन बनाना चाहते हैं। तो गन पाउडर का एक अल्टरनेट कंपाउंड बना लो ना। एंड दैट्स वन प्रॉब्लम व्हाई वी आर नॉट लुकिंग एट द चॉइस ऑफ टॉपिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, पैथेटिक, बिकॉज़ वी आर नॉट रीडिंग। देयर आर वेरी सिंपल थिंग्स व्हिच कैन बी क्रिएटेड, व्हाई आर वी नॉट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट हीट रेजिस्टिव स्क्रू? व्हाई आर वी नॉट थिंकिंग अबाउट कि नट बोल्ट ऐसे क्यों होना चाहिए? व्हाई आर वी नॉट थिंकिंग कि स्क्रू ड्राइवर ऐसे क्यों होना चाहिए? Why don't we think about ये लाइट ऐसी क्यों चाहिए मुझे? क्या इसको और अलग तरह से नहीं कर सकते? सदियों से पंखा ऐसे ही घूम रहा है, क्यों ऐसे घूम रहा है? और ऐसी सिंपल चीजें हैं यहाँ पर, जिन सिंपल चीजों को अगर जरा सा इनोवेट करते हैं, ट्रस्ट मी दे आर गोइंग टू बी कंपोनेंट्स फॉर द फ्यूचर।